हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में टॉपिक एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे करके टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि मैं आपको इसमें ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स और अदर मेटाबोलाइट से रिलेटेड मैं आपको इसमें बता सकूं। एम्फीबॉलिक पाथवे को समझने से पहले आपको एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस बट रेस्पिरेटरी पाथवेज आर नॉट ऑलवेज कैटाबोलिक। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली मैं ऑक्सीडेशन कर रहा होता हूँ और ब्रेक डाउन कर रहा होता हूँ, पर ये जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेटरी पाथवेज ऑलवेज ब्रेक डाउन में यूज हो, बिकॉज दीज पाथवे कैन ऑल्सो बी यूज इन बायोसिंथेसिस। ऐसे पाथवेज जो ब्रेक डाउन और बायोसिंथेसिस दोनों में यूज होंगे उन्हें हम कह रहे होते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू एम्फीबॉलिक पाथवेज में क्या बन सकता है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एम्फीबॉलिक पाथवे को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा पाथवेज या रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन विच कैन बी यूज इन बोथ बायोसिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन, जो दोनों पे यूज हो सके, बायोसिंथेसिस और किसमें ब्रेक डाउन में, दोनों में यूज हो सके, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे बोल रहे होते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे को आपने समझने से पहले मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू जा रहा हूँ, आपको समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है। जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमने जो बनाया था दैट इज बेसिकली PGAL एंड डाईहैप, ये चीज हमने बनाई थी। PGAL और डाईहैप, उनको हमने तोड़ा था पाइरुवेट में, पाइरुवेट को हमने बेसिकली ऑक्सीडाइज किया था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो दो कार्बन का कंपाउंड था। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू क्रैब साइकिल। अब जरा समझते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे का क्या मतलब है। नाउ दिस ग्लूकोज टू पाइरुवेट ब्रेक डाउन इज कैटाबोलिक पाथवे। अगर मुझे पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाना है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके लिए मुझे एटलीस्ट फर्स्ट, थर्ड और टेंथ इरिवर्सिबल स्टेप को वापसी करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, और ये बेसिकली लिवर में हो रहा होता है। अब आपने ये समझना है कि जो पाइरुवेट से हमने एसिटाइल कोए बनाया है, उस एसिटाइल कोए को हमने क्रैब साइकिल में एंटर कराया है। अब ये एसिटाइल कोए जो है, इसका सोर्स नॉट ओनली ग्लूकोज, अदर सोर्स भी पॉसिबल है। जैसे मान लो हम फैट जो है, फैट को हम दो चीजों में तोड़ते हैं। एक हम बनाते हैं ग्लिसरॉल। नाउ दी ग्लिसरॉल इज ऑफ थ्री कार्बन। ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप होते हैं। तो अगर आप इस चीज को देखें, ग्लिसरॉल में हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ग्लिसरॉल में हमारे पास इस तरीके से तीन OH ग्रुप हैं। अगर इस तीन OH ग्रुप में हमने क्या करना है, इस वाली कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ना है, तो ये PGL हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हम ग्लिसरॉल को एंटर करा सकते हैं किसमें, PGAL में। ओके, तो ये यहाँ एंटर कर सकता है और इसका फिर इस पाथवे में जाके ये पूरा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ये इस तरीके से जाके फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, कौन, ग्लिसरॉल। दूसरा, फैट फिर आगे टूटता है फैटी एसिड में। नाउ फैटी एसिड कैन बी ब्रेक डाउन इंटू एसिटाइल कोए। फॉर एग्जाम्पल 16 कार्बन फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड कैन गिव 8 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल। ओके, और उसके लिए मुझे 7 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी ये प्रोसेस को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन आपका परोक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही एसिटाइल कोए बनाकर उसको क्रैब साइकिल में एंटर करवा सकते हैं। अब आप एक चीज समझे, नाउ दिस एसिटाइल कोए इज कैन बी यूज ऑल्सो इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट। इसका मतलब अगर आप एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं और वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, तो वो ग्लूकोज अगर एनर्जी बनाने में नहीं जाएगा, नाउ इट कैन कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। ओके, अब हमारे पास मान लो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का डाइजेशन करके हम बनाते हैं अमीनो एसिड्स। नाउ दिस अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन करके, जैसे हम एलानिन है, एलानिन की डीएमिनेशन करके पाइरुवेट बना सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पाइरुवेट एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। ये स्ट्रक्चर जो है वो एलानिन का है, तो ये आर ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर
हमारे पास ये जो यहाँ पर डिफरेंस है, इसका मतलब इस एलानिन की हम लोग अगर डीएमिनेशन करें तो पाइरूवेट बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एंटर करा सकते हैं अमीनो एसिड्स को आइदर इन पाइरूवेट और इट कैन एंटर इन टू क्रैब साइकिल। ओके, अब क्रैब साइकिल में मेरे पास जो ओए है, ओए से हम बना सकते हैं एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड को भी हम एंटर करा सकते हैं क्रैब साइकिल में। ओके, हमारे पास क्रैब साइकिल में कंपाउंड होता है सक्सिनाइल कोए। नाउ दिस सक्सिनाइल कोए कैन बी यूज इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ओके ओके, इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना सकता है ग्लूटामिक एसिड। नाउ आउट ऑफ दीज रेस्पिरेटरी पाथवेज क्रैब साइकिल इज मेन एम्फीबॉलिक, मेनली एम्फीबॉलिक, अगर आप इस चीज को समझें, क्योंकि सबका मेटाबॉलिक फ्लक्स, जिसे हम बोलते हैं कि सारे मेटाबोलाइट्स फाइनली कन्वर्ज हो रहे हैं किस पे, क्रैब साइकिल में। तो हम ये बोलेंगे जो क्रैब साइकिल है उससे हम चीजें निकाल भी सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबॉलिक पाथवे, नाउ क्रैब साइकिल इज मेनली एम्फीबॉलिक, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, मैं इस पूरे को वापसी नहीं ले जा सकता, मुझे तीन इरिवर्सिबल स्टेप चाहिए। ओके, अगर हम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में हम क्रैब साइकिल और यहाँ एंटर करा सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कैन एंटर इनटू क्रैब साइकिल, लाइक ओए हो गया हमारे पास या एस्पार्टिक एसिड हो गया। तो आपने ये देखना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैटाबोलिक है और रेस्पिरेटरी पाथवेज कैन बी एम्फीबॉलिक, कैन यूज इन बोथ बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन। और फैट के लिए हमारे पास होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि बेसिकली बड़े फैटी एसिड को, जैसा कि ट्राईपालमिटीन मेंशन है, इट इज C51 को ट्वाइस करके लिखा हुआ है। तो ट्राईपालमिटीन बड़े फैटी एसिड को छोटे फैटी एसिड में तोड़ते हैं परऑक्सीजोम्स में, और उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन जो हम करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं प्रॉपर फैटी एसिड को, वो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फैटी एसिड में आपने ध्यान ये रखना है कि 16 कार्बन का फैटी एसिड जो है, जैसे कि हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड, वो नो एसिटाइल को ए देगा, और नो एसिटाइल को ए एंटर करेंगे किसमें, क्रैब साइकिल, सॉरी नो एसिटाइल को एंटर करेंगे क्रैब साइकिल में। तो बीटा ऑक्सीडेशन हम कहाँ कर सकते हैं, बेसिकली हम फैटी एसिड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये देखना है कि कुछ और सब्सट्रेट हैं, जैसे हमारे पास एक पाथवे और होता है जिसे हम कहते हैं PPP या HMP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, हम इसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इस पाथवे में हमारे पास ये एक अल्टरनेट पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें हम अल्टरनेट टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस नहीं कर रहे होते, जिसमें हम NADH नहीं बना रहे होते, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है हमारे पास ग्लूकोनोलैक्टोन, फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन, और इस प्रोसेस में एक NADPH बनता है। ओके, फिर ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं, और उस ग्लूकोनिक एसिड में हमारे पास एक और NADPH बनता है, तो एक NADPH और बन गया हमारे पास, तो हमारे पास एक NADPH यहाँ बन गया। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, अब ये 5 कार्बन की शुगर बन गई और 1 CO2 रिलीज हो गई, तो इसे हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट, क्योंकि राइबुलोज 5 कार्बन का पेंटोज है। अब यहाँ से ये साइकिल फिर एक प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये वापसी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हमने ये देखा कि 1 CO2 रिमूव होने पर 2 NADPH बन रहे हैं। एक ग्लूकोज कंज्यूम करने का मतलब 6 CO2 है, इसका मतलब 12 NADPH बनेंगे, विच इज मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव 36 ATP। तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP बनता है। अगर पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कॉमन एंजाइम है कोई, दैट इज हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज इज
कॉमन एंजाइम बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये इवन आपके पास जर्मिनेटिंग, ये इवन हमारे पास किडनी सेल्स में, लिवर सेल्स में, या हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड्स में, बहुत सारी जगह ये पाथवे हो रहा होता है। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज आरक्यू। आरक्यू जो है, इस पे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी वैल्यूज पूछी जाती हैं, लेकिन आप इस चीज को देखें, आरक्यू जो होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। नाउ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का मतलब है कि हम क्या निकालते हैं कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की जो वैल्यू वैल्यू हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। तो जो RQ वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली ये बताती हैं कि टाइप ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, आप टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं, या आप बेसिकली किस टाइप का रेस्पिरेशन कर रहे हैं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्लियर। और हम लोग रेस्पायरोमीटर या के थ्रू आरक्यू को मेजर कर सकते हैं, उसमें आता है हमारे पास गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर, इसके थ्रू हम लोग आरक्यू वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि आरक्यू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, तो अगर हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक में दोनों वैल्यू सेम होती हैं, CO2 और O2 की। तो एरोबिक में आरक्यू जो होगा, आरक्यू आता है 1 किसके लिए, एरोबिक के लिए, क्लियर। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे पास, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं, मतलब हो रही है, ऑक्सीजन जीरो है, तो आरक्यू एनएरोबिक का 10 to infinity, या हम बोलेंगे इन्फिनिटी आ रहा है किसका, एनएरोबिक का। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की सक्यूलेंट्स के लिए, सक्यूलेंट्स में बेसिकली CO2 इवॉल्व, या हम बोलते हैं CO2 का जो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है सक्यूलेंट्स में, क्योंकि वो उसको एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं या स्टोमेटा बंद रह रहा है उसमें, तो उसमें आरक्यू आता है हमारे पास जीरो, क्योंकि CO2 की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर हम चाहते हैं इस पे टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे हम बात करें, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे क्या आ रहा है आरक्यू, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं तो कार्बोहाइड्रेट में आरक्यू, कार्बोहाइड्रेट में आरक्यू आ रहा है 1, क्लियर, ग्लूकोज के लिए। ये अगर मैं जाऊं इसके लिए प्रोटीन्स के लिए, तो प्रोटीन्स के लिए आरक्यू की वैल्यू 0.9 है, और फैट के लिए आरक्यू की वैल्यू 0.7 है, जिसका एग्जांपल ट्राई पालमिटीन दे रखा है एनसीईआरटी में। ट्राई पालमिटीन जो है एक फैटी एसिड है जिसका आरक्यू 0.7 है। उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स का मोर देन 1 होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का आरक्यू मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। उसके कुछ एग्जांपल हैं ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। आप ये तीन एग्जांपल याद कर सकते हैं, इसमें ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, इनका आरक्यू मोर देन 1 है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का 4 आएगा, इसका 1.3 और इसका 1.14, तो ये मोर देन 1 वैल्यूज हैं आरक्यू की। आरक्यू की वैल्यूज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है।